इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा फनी है। और अगर किसी ने मेरे उस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कर लीजिएगा। और इसमें दो तीन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, शायद कुछ पता चले, शायद कुछ आपने इग्नोर कर दिया हो तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। कि बॉयकॉट चाइना का लोग एक एंगल ये दे रहे हैं कि चाइना का ये है वाईफाई है, चाइना का ये चाइना का वो, क्या क्या बॉयकॉट करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ अगर कुछ लोगों ने अपनी जाहिलियत में आके ये समझ लिया है कि बॉयकॉट का मतलब सिर्फ बॉयकॉट ही लिया जा रहा, तो नहीं है रे भाई। बॉयकॉट का मतलब है कि हम उनकी चीज़ों के बजाय अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, उनकी चीज़ों के बजाय अपने सब्स्टिट्यूट खड़े करें। जैसे उन्होंने किया ना, वो YouTube की जगह कुछ और यूज़ करते हैं, वो WhatsApp की जगह WeChat यूज़ करते हैं, वो Facebook की जगह कुछ और करते हैं, Twitter की जगह कुछ और करते हैं, Google की जगह कुछ और करते हैं। तो क्या उन्होंने बॉयकॉट अमेरिका कुछ नहीं शुरू किया होगा या अमेरिकन प्रोडक्ट्स? तो इसका मतलब भी तो नहीं था ना कि उन्होंने अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जारी रहेगा, वो दूसरी डिप्लोमेसी है, सरकारें करती हैं। हमें अपनी इकनॉमी रिवाइव करनी है कि नहीं, इतना कोई सेंस बनता है कि नहीं, इसका मुझे कोई बता दे। कैसे रिवाइव करेंगे? फिर से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके रिवाइव करेंगे, या इम्पोर्ट करते रहेंगे जो भी चीज़ चाहिए, पैसा देते रहेंगे बाहर, तब रिवाइव होगी? बिल्कुल जाहिलों वाली बात क्यों कर रहे हो? आप प्रोड्यूस करो, आप एक्सपोर्ट करो, तब चीज़ें सही होंगी। लेकिन फालतू का तर्क देने के लोग आ जाएंगे। लेकिन मैंने लोगों से बोला कि सजेशन दो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इनोवेशन किया जा सकता है, कैसे कुछ इन्वेंट किया जा सकता है कि हम अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकें, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हमारे यहाँ देश में क्रिएटिविटी सच में मर गई है क्या? इतने जाहिल हैं क्या ये लोग? मुझे नहीं लगता। इसलिए मैंने ये नारा दिया था कि आप बॉयकॉट इसलिए करिए कि आप आत्मनिर्भर बन सकें, इसलिए नहीं कि हमें चाइना से वॉर करनी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना है, नहीं, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। इस वीडियो में जाते जाते मैं योगी गवर्नमेंट से, अगर कोई मेरे इस मैसेज से, मेरी इस रिक्वेस्ट से कोई एग्री करता तो प्लीज़ किसी भाजपा नेता तक मेरी बात पहुंचा दो, प्रवक्ता तक या सीएम योगी तक, कि जैसे महाराष्ट्र में डिसीजन लिए गए, माना वहाँ की स्थिति बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, फाइनल ईयर वाले बच्चों को भी डिग्रियां दे दी जाएंगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, कंट्रोल अच्छा किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, महाराष्ट्र डबल पॉपुलेशन है, कंट्रोल बहुत अच्छे से किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम्स बच्चे नहीं दे सकते। वो लोगों का मेंटालिटी, वो मनोदशा चेंज हो चुकी है, बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ, और इस माहौल में ना जाके दे सकते हैं। और अगर कॉलेजेस को छूट दी गई है कि वो बुला के कंडक्ट कराएं, तो क्या गाइडलाइंस है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हैं, लेकिन बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना भी नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ योगी सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए, या तो महाराष्ट्र सरकार से प्रेरित होकर एग्ज़ाम कैंसिल करें, या तो किसी नई पॉलिसी के तहत अगर कंडक्ट कराना भी है तो कंडक्ट कराए, जो भी उस बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कराया जाए। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भविष्य में अपना कुछ कर ले जाएंगे, वरना कोरोना हो जाएगा, इतने लाखों की तादाद में बच्चे एडमिट होते ही रह जाएंगे, तो सरकार की भी मुसीबत बढ़ेगी। खैर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक ट्वीट दिखाऊंगा आपको, तो ये वो ट्वीट है, आप देखिए। मैडम ने एक फ़ोटो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने उदित राज से बात की थी। उदित राज कौन है आप सब जानते हैं, कांग्रेस समर्थक हैं और NTBJP, NDRSS, NT मोदी वगैरह वगैरह थॉट प्रोसेस रखते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।